Hey guys, it's me AD here with another video. We are going to break down the trailer of Hotel Transylvania Part 4. जिन लोगों को नहीं पता, ये Hotel Transylvania Sony Pictures की एक 3D animation movie series है. इसके total 3 parts आ चुके हैं और 4th part 23rd July 2021 को release होने वाला है. ये basically Dracula और Monster World से related movies हैं जिसमें लोग Dracula का घर जला देते हैं, जिसमें उसकी wife Martha मर जाती है. इस मार्था को बैटमैन और सुपरमैन की मत समझ लेना. फिर ड्रैकुला एक होटल बनाता है जहां मॉन्स्टर्स और उसके डॉटर आराम से रह सकें, पर वहां पर एक ह्यूमन टीनेजर लड़का आ जाता है और उसे ड्रैकुला की डॉटर मेविस से प्यार हो जाता है. लास्ट में बड़ी मुश्किलों से उनकी शादी होती है. फ्रेंचाइजी के सेकेंड पार्ट में मेविस और जोनी के बेटे डेनिस को लेकर घूमती है कि उसे अपनी ड्रैकुला पावर्स कब मिलेगी, वो ह्यूमन है या फिर मॉन्स्टर. थर्ड पार्ट में ये सब लोग एटलांटिस घूमने जाते हैं, एक्वामैन वाला नहीं, और वहाँ शिप का कैप्टन जो है वो एक लड़की होती है और उससे ड्रैकुला को प्यार हो जाता है और वो एक ह्यूमन है. लास्ट में ड्रैकुला कुछ ना कुछ करके उससे वेडिंग रिंग पहना देता है और उसकी दोबारा शादी हो जाती है. फ्रेंचाइजी का फोर्थ पार्ट का नेम होटल ट्रांसिल्वेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया है और इसका टीज़र ट्रांसफॉर्मेनिया वर्ड को जस्टिफाई भी करता है. हम टीचर की स्टार्टिंग में देखते हैं सभी मॉन्स्टर्स जैसे ड्रैक, जेली, फ्रैंक, इजिप्ट वाली मम्मी, जोनी, मेविस, ये सभी लोग होटल ट्रांसिल्वेनिया की 125th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. जेली डीजे बजा रहा है अपने अंदाज में और जोनी पीछे से बोलता है कि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. वो अपने आप को इन मॉन्स्टर्स के बीच अकेला फील कर रहा है क्योंकि वो ह्यूमन है और बाकी सब मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि उसका बेटा भी मॉन्स्टर है. वो इस बात को लेकर दुखी है कि ड्रैकुला ने अभी तक उसको अपनी फैमिली का पार्ट नहीं माना. अब नेक्स्ट शॉट में जोनी को वैन हेल्सिंग के साथ देखते हैं. ये वाइकिंग्स वाला वैन हेल्सिंग नहीं है कि कभी वलेला वलेला जाने लग जाओ. वैन हेल्सिंग जोनी को एक मॉन्स्टरफिकेशन रे के बारे में बताता है जो ह्यूमंस को मॉन्स्टर में बदल देती है और मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है. वैन हेल्सिंग उस रे को यूज़ करता है और जोनी को एक ड्रैगन टाइप का मॉन्स्टर बना देता है. वो ड्रैकुला से मिलने आता है और जोनी अपने लेग से वही ग्रीन लेजर शूट कर रहा है जिससे होटल के मॉन्स्टर्स फिर से ह्यूमन बनने लग जाते हैं. टिंकल्स भी पपी बन जाता है. जोम्बी फिर से ह्यूमन बन जाता है पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि पीछे से दूसरा जोम्बी आ जाता है और उसे बाइट कर लेता है, वो फिर से जोम्बी बन जाता है. मम्मी को भी रे लगती हैं और वो इजिप्ट के लोगों की तरह छोटा सा इंसान बन जाता है. फ्रैंक को भी वो ग्रीन लेजर हिट होती हैं पर वो एक स्टाइलिश मैच्योर मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. वेयरवुल्फ के सारे बाल झड़ जाते हैं और बेसिकली सभी जंगल के बाल, सारे जंगल के, और उसकी दाढ़ी रह जाती है. हमने पिछले 3 मूवीज़ में जो इनविजिबल मैन देखा था वो विजिबल हो जाता है बिना कपड़ों के. हम देखते हैं होटल में बहुत दौड़ मची हुई है क्योंकि जोनी अपने लेग से ग्रीन लेजर शूट कर रहा है और मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है. हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि अपना ड्रैक, उसको भी ग्रीन लेजर लग गई है और वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. उसका पेट निकल जाता है. पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बजता है और वो इंडिकेट करता है कि लोग यहाँ पर या फिर कई मॉन्स्टर जो पहले थे अब वो पहले जैसे नहीं रहे, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं या फिर कुछ नए बन गए हैं, जैसे ड्रैक हो गया वो ह्यूमन बन गया या बाकी सारे मॉन्स्टर्स बदल गए हैं. जोनी होटल में आता है और वो ड्रैक को चिढ़ाता है कि अब वो मॉन्स्टर है और ड्रैक ह्यूमन बन गया है. मेविस के भी बड़े से ईयर्स बाहर आ जाते हैं पर वो शायद उसे लेज़र नहीं लगी और कुछ कंफर्म नहीं है कि मूवी में आगे क्या होगा. हम देखते हैं ड्रैक के ह्यूमन होने की वजह से उसकी फ्लाइंग पावर चली गई हैं और अब पर उसे एक बेनिफिट भी है कि अब उसे सन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी बॉडी अब सनलाइट से बर्न नहीं होती. बट हाँ, इतने सालों बाद सन के आगे जाने से उसकी आइज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो रेड हो जाती हैं. हम नेक्स्ट शॉट में ह्यूमन ड्रैक को वो एक कार से टकराने वाला है पर प्रोबेबली जोनी वहाँ से उसे बचा लेगा. पर याद रखिए अगर वो कार से टकरा के मर गया तो वो मर ही जाएगा क्योंकि इस टाइम वो ह्यूमन है. यहीं पे ट्रेलर एंड होता है पर इसमें ये बात है कि हमने कहीं पर भी ड्रैकुला की वाइफ एरिका वैन हेल्सिंग नहीं देखी और बट ये कंफर्म है कि वो मूवी में है. उनकी वॉइस डब कैथरीन हान कर रही है. ये वही है जिन्होंने वांडा विजन में एगाथा हार्कनेस का रोल किया था. अभी वीडियो ओवर नहीं हुई है. यहाँ पर हम देखते हैं कि होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 के ट्रेलर से पहले लगभग 1 मंथ पहले एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म आई थी जिसका नाम था मॉन्स्टर पेट्स. इसमें ड्रैकुला टिंकल्स यानी वही वो 500 किलो वाला कुत्ता, और उसके लिए वो एक पेट ढूंढ रहा था ताकि वो बोर ना हो. वो कभी छोटा सा पिल्ला लेके आता है, कभी जेली वाला कुत्ता लेके आता है, एक बार फ्रैंकस्टाइन जैसा कुत्ता लेके आता है जो कुत्ता ही नहीं होता. लास्ट में ड्रैक
गिब जाता है और वहाँ से एक कैट लेके आता है जिसकी पूछ में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स हैं। हाँ वो आपने सही सुना, उसकी पूछ में ये पावर्स हैं और वो क्या कहती हैं, एक बड़ी सी बॉल को हवा में उठा देती हैं। और मैं सब सच बताऊँ ना, अगर वोंडा इस बिल्ली को देख लेती ना तो दूसरे एपिसोड में ही फेस्टिवल छोड़ के भाग जाती और लोगों को ज़बरदस्ती उसे इतना झेलना नहीं पड़ता। सो डैट्स इट, हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड बाय गाइज, टेक केयर।